हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनफोड लर्निंग और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास सिक्स फ्रॉम सलीना पब्लिकेशन का सोल्यूशन वीडियो फ्राम थीम वन नंबर्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम जिसकी एक्सरसाइज वन ए आज हम सॉल्व करेंगे इसकी कुछ एक्सरसाइजेज मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूं जो कि आगे की एक्सरसाइजेज हैं अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो जहां पर आपको बाकी के सल्यूशन्स आसानी से मिल जाएंगे तो आज हम पढ़ेंगे यहां पर इस वीडियो में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है किसी नंबर में तो प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन इट ऑक्युपाइज इन द नंबर तो अगर किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो उसकी जो डिजिट की वैल्यू है वो पोजीशन जो ऑक्यूपाई करेगा उस पे डिपेंड करेगा जैसे कि अगर मैं यहां लिखूँ सेवन ऐट फोर फाइव तो एट की अगर मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे प्लेस वैल्यू एट लिखेंगे और इसके आगे जितनी डिजिट होगी उतने हम जीरोज लगा देंगे ये हमने जीरोज लगा दिए दो प्लेस थी तो दो जीरो लगा दिए मतलब अगर हम इसको यहां से काउंट करें पीछे से हमेशा प्लेस वैल्यू जो होती है हम पीछे से देखते हैं दिस इज एट यूनिट्स प्लेस या फिर वंस प्लेस दिस इज एट टेंथ प्लेस हंड्रेड एंड थाउजेंड सो हंड्रेड प्लेस पर है तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई एट हंड्रेड फाइन अगर मान लीजिए आपको यहां पर नंबर गिवन है एट्टी फाइव और इसमें कहा जाए आपको एट की प्लेस वैल्यू फिर फाइंड करनी है तो कितनी हो जाएगी एट और इसके आगे एक डिजिट है तो एक जीरो सो दिस इज गोइंग टू बी इट्स प्लेस वैल्यू एट्टी तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं मैं यहां पर प्लेस वैल्यू एट मल्टीप्लाइड बाय वन हम लगाएंगे इसके लिए और दो जीरो इसकी आगे वाली डिजिट के लिए तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई एट हंड्रेड सिमिलरली हम यहां पर किसके लिए निकाल रहे हैं एट के लिए निकाल रहे हैं और एट की जगह हम लिख देंगे वन और इसके आगे कितनी वैल्यू है एक तो एक जीरो तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई एट्टी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सेवन टू एट नाइन ओके अब आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें सारी वैल्यूज की प्लेस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करना होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में मतलब आपको जितनी भी वैल्यूज गिवन है जितनी भी डिजिट्स गिवन है इनकी प्लेस वैल्यू बतानी होगी तो हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में सेवन मल्टीप्लाइड बाय वन और यहां देखेंगे वन टू थ्री सो वन टू थ्री प्लस हमारे पास टू है इसके लिए हम लिखेंगे वन और इसके आगे कितने डिजिट्स हैं दो ओके okay. अगर हमको एट के लिए लिखना है तो एट के लिए वन और इसके आगे जीरो प्लस नाइन नाइन के लिए वन इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसको हम वन से मल्टीप्लाई कर देंगे ओके okay. तो फाइनली हम इसको लिख पाएंगे एज सेवन थाउजेंड प्लस टू हंड्रेड प्लस एटी प्लस ओके अदरवाइज okay. आप इसको वाइस वर्सा करके भी लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को ऊपर इस स्टेटमेंट को नीचे जैसे आपको लिखना हो तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है आपको इसको मतलब प्लेस वैल्यू जो भी डिजिट जिस प्लेस पे है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेस वैल्यू तो एक बार और समझ लेते हैं दिस इज एट वंस प्लेस एट टेंस प्लेस पे है टू हंड्रेड प्लेस पे है सेवन थाउजेंड प्लेस पर तो इनकी प्लेस वैल्यू से हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है अब हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही डिजिट के बराबर होती है और फेस वैल्यू पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है जैसे कि हमने यहां पर एट की प्लेस वैल्यू एट हंड्रेड लिखी लेकिन अगर हम फेस वैल्यू लिखेंगे तो एट ही रहेगा ओके यहां पर भी अगर हमको एट की प्लेस वैल्यू एट्टी मिली तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी एट ठीक है तो ये जो वैल्यू रहती है ये वही डिजिट के इक्वल हो जाती है टू इट ठीक है द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट नॉट डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द डिजिट पोजिशन पे डिपेंड नहीं करता है कि वन प्लेस पे है कि थाउजेंड्स प्लेस पे है इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिजिट इट और ये जो डिजिट की वैल्यू होती है उसी के इक्वल फेस वैल्यू हो जाती है जैसे कि अगर हम एट का निकाल रहे तो फेस वैल्यू एट हो जाएगी अगर मैं यहां कहूं कि सेवन की मुझे फेस वैल्यू निकालनी है इस डिजिट में तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी सेवन डिजिट के इक्वल हो जाएगा सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम एक्सरसाइज वन ए फिल इन द ब्लैंक्स इन टू फोर सिक्स सेवन थ्री द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इज तो यहां पर आप देख सकते हैं सिक्स मल्टीप्लाइड बाय सिक्स की जगह हमने वन लिखी है और इसके आगे दो वैल्यूज हैं तो हमने यहां दो डिजिट के लिए दो जीरो प्लेस कर दिए सो इट इज गोइंग टू बी सिक्स हंड्रेड नेक्स्ट इज इन एट जीरो थ्री नाइन द प्लेस वैल्यू ऑफ एट इज तो यहाँ हम लिखेंगे एट और एट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पोजीशन वन लिख देंगे इसके आगे वन टू थ्री डिजिट्स हैं तो हम यहाँ थ्री जीरोस प्लेस करेंगे सो इट इज गोइंग टू बी एट थाउजेंड नेक्स्ट इज इन थ्री टू फाइव सिक्स फोर एट द वैल्यू ऑफ लोकल वैल्यू ऑफ टू इज लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है वही सेम चीज़ है चाहे आप प्लेस वैल्यू कह लीजिए चाहे आप लोकल वैल्यू कह दीजिए इट इज सेम थिंग तो यहाँ पर हमको लोकल वैल्यू निकालनी है टू के लिए तो हम यहाँ टू लिखेंगे टू के लिए प्लेस हम वन करेंगे और इसके आगे डिजिट्स देख लेंगे वन टू थ्री फोर हैं तो वन टू थ्री फोर तो इसका हो जाएगा 20,000. Next is in six four three nine. The local value of 3 is 3, 1 lika 3. So it is going to be 30. So hence this is the answer. Next question number 2: find the difference between the place value of 3 and 5 in the number three nine four five. तो सबसे पहले तो हमें प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इज थ्री और इसके आगे वन टू थ्री डिजिट्स हैं तो हमने थ्री जीरो लगा लिए एंड फाइव इज सिंगल नंबर फाइव बिकॉज इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है अब हमको निकालना है डिफरेंस डिफरेंस थ्री थाउजेंड से हम माइनस कर देंगे फाइव डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन अब हम यहाँ नंबर एक के नीचे एक लिख कर ही माइनस करेंगे तो आसानी से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वन कैरी ओवर यहाँ हो गया टेन नाइन बचा वन कैरी ओवर लिया फिर यहाँ नाइन बचा हमने वन कैरी ओवर ले लिया सो टेन माइनस फाइव इज फाइव नाइन एज इट इज आ जाएगा यहाँ नाइन एज इट इज आ जाएगा इसमें से हमने कैरी ओवर लिया था सो टू सो योर आंसर इज टू डबल नाइन फाइव दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री एंड फाइव क्वेश्चन नंबर थ्री इन द नंबर फोर जीरो फाइव सिक्स टू द लोकल वैल्यू ऑफ फाइव मतलब यहां पर आपको लोकल वैल्यू का मतलब है प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव बताना है तो फाइव हम मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव की जगह हमने लिखा वन और दो डिजिट है तो दो जीरो सो इट इज फाइव हंड्रेड नेक्स्ट द फेस वैल्यू ऑफ सिक्स तो सिक्स की सिंपल जो फेस वैल्यू रहेगी वो सिक्स ही रहेगी क्योंकि जो उसकी प्लेस होती है उससे पोजीशन से हमको कोई लेना देना नहीं है सिर्फ उसकी वैल्यू के इक्वल हो जाता है अब हमको सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव एंड फेस वैल्यू ऑफ सिक्स निकालना है तो हमने निकाली है फाइव हंड्रेड इसकी प्लेस वैल्यू और यहाँ पर है इसकी फेस वैल्यू सिक्स और इनका सम करना है तो जीरो प्लस सिक्स जीरो जीरो फाइव सो फाइव हंड्रेड एंड सिक्स इज आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यूज ऑफ टू सेवन इन द नंबर एट सेवन टू फाइव सेवन फोर तो हम यहाँ पर बता सकते हैं दर्स्ट सेवन हैज प्लेस वैल्यू इक्वल टू सेवन मल्टीप्लाइड बाय इसकी जगह हमने लगाया वन और इसके बाद हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर सो वन टू थ्री फोर सो इट इज इक्वल टू सेवेंटी थाउजेंड नेक्स्ट द सेकेंड सेवन हैज प्लेस वैल्यू सेवन मल्टीप्लाइड बाई टेन दैट इज सेवेंटी तो अब हमको डिफरेंस फाइंड करना है सो डिफरेंस विल बी इक्वल टू सेवेंटी थाउजेंड माइनस सेवन थाउजेंड तो हम यहाँ डिफरेंस कर लेते हैं सेवेंटी थाउजेंड माइनस सेवेंटी माइनस करेंगे यहां हमें जीरो में से जीरो माइनस किया जीरो एक कैरी ओवर लिया टेन फिर एक कैरी ओवर लिया यहां नाइन बचा ए कैरी ओवर और, और लिया तो यहाँ नाइन बचा सो टेन माइनस सेवन इज थ्री नाइन नाइन सिक्स आंसर इज सिक्स डबल नाइन थ्री जीरो सिक्सटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ नाइन एंड द फेस वैल्यू ऑफ फोर इन द गि नंबर थ्री टू फोर सेवन नाइन एट सो फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 क्योंकि फेस वैल्यू जो उसकी डिजिट पे जो नंबर होता है सिर्फ उसी के इक्वल हो जाता है अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे डिफरेंस हो जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन और फेस वैल्यू ऑफ फोर दोनों को माइनस कर देंगे सो इट इज फाइव सो हैंज दीज आर दी सोल्यूशन फ्रॉम एक्सरसाइज वन एफ सेलीना पब्लिकेशन आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन की है वहां से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियो विदय फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोट वगैरह टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग